हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम बना रहे हैं मटर चाट। तो ये मटर बॉयल हो रहे थे तो हमने कुकर को खोला चेक करने के लिए। तो अभी मेरे बॉयल में हमने ये चमचे में निकाल के चेक कर रहे हैं। तो अभी मटर में कुछ कसर है, अभी पका नहीं है पूरी तरीके से। और हमने बनाई है मीठी चटनी। ये देखिए, ये चटनी है इमली और गुड़ की। और इसमें डाला है सौंफ, जीरा, धनिया और लाल मिर्च। ये सबको हल्का सा भून के पीस के तब डाल दिया है। तो चटनी तैयार हो गई है मेरी। और मटर अभी बॉयल होने के लिए थोड़ा सा बाकी है, अभी और एक दो सीटी लगाएंगे इसमें तब बॉयल होगा। प्याज को छील के काट के रखा है, अभी इसको चॉप करना है। प्याज को चॉप करके डालेंगे। हरी धनिया साफ करके रखी है, अभी इसको भी काटना है। और अभी काफ़ी कुछ तैयारी करनी है, तो तैयारी करते करेंगे अभी और भी। और इसके बाद थोड़े से मेरे पास बतासे रेडीमेड लाए थे, तो बतासे भी बनाएंगे, बतासे का पानी भी बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें अभी जो है तैयार करके दिखाते हैं आपको कि मटर चाट और पानी पूरी अभी हम घर में बनाएंगे। तो मेरी मटर चाट तैयार हो गई है और मटर चाट के सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं। और मेरे गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी, पानी के बतासे, ये भी तैयार हो गए हैं। तो कोई तो पानी से बतासे खाएगा और कोई चटनी और दही के बतासे खाएगा। तो चटनी भी मीठी है, दही भी मीठा है। ये रहा मटर, ये हरी धनिया, प्याज, और ये रहा इसमें डालने के लिए मसाला, जीरा, लाल मिर्च और धनिया वाला। और ये नमक रखा है, जिसको चटनी नहीं खानी वो नींबू से खाएगा। तो ये सब चीज़ें तैयार है। और मेरे हस्बैंड पानी के बतासे नहीं खाते, वो दही चटने के ही बतासे खाते हैं, दही चटनी डाल के। तो हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए दही चटनी के बतासे। और वो प्याज भी नहीं डलवाते हैं अपने में। और मेरे बेटे ना प्याज व्याज डाल के खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा भरेंगे। एक बतासा हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। थोड़ा सा प्याज डाले दे रहे हैं, धनिया ऊपर से। तो इस तरह से सारे बतासे लगा के सबसे पहले अभी अपने हस्बैंड को देते हैं दही चटनी के बतासे। इस तरह से उनके बनाएंगे दही चटनी के बतासे और बेटे के लिए बनाएंगे पानी वाले बतासे। तो आ जाओ सब लोग खाने के लिए, चाट एकदम रेडी है। तो आइए, आ जाइए आप लोग भी, मटर चाट और गोलगप्पे का लीजिए मज़ा। तो बताइएगा कैसी बनी है मेरी चाट। चलो ठीक है। Years later. कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मगर हम इधर कुछ दिनों से हम अच्छे नहीं थे। मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी और थोड़ा सा मेरा बीपी लो चल रहा था। और फिर घर के भी कुछ काम और थे, थोड़ी सी भागदौड़ मची हुई थी, इस वजह से हम कोई वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हमने सोचा हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ। मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है, तो शादी तो कल है और कई दिनों से उसके यहाँ फंक्शन चल रहा है हल्दी का, मेहंदी का, मगर आज उसके यहाँ लेडीज संगीत है। तो हमने सोचा आज हम चलते हैं, आज थोड़ी तबीयत भी ठीक थी और अगर नहीं जाएंगे तो नाराज़ भी बहुत हो जाएगी। तो आज उसके लेडीज संगीत है, तो बस हम उसी लेडीज संगीत में जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो हमने सोचा आज वीडियो की शुरुआत भी करे देते हैं, और बहुत दिन से आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो सबसे मुलाकात भी होती, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम घर से निकलते हैं, फिर आपसे वहाँ मिलते हैं लेडीज संगीत में। और कल उसकी शादी है, तो कल शादी में भी जाएंगे, तो अभी आप लोगों से अभी मुलाकात होगी लेडीज संगीत में। हम आ गए हैं
प्रिया की मेहंदी में। ये है मेरी प्यारी सी बेटी प्रिया, और हम सोच रहे थे हम बहुत लेट हो गए मगर हम मेहंदी में आ गए, और ये इसके लग रही है मेहंदी। और ये मेरी बहुत प्यारी सी स्मार्ट गर्ल, जिसको हम बचपन से स्मार्ट गर्ल ही कहते चले आ रहे हैं। आज तो कल इसी की शादी है, हम यहीं आने के लिए तैयार हुए थे, तो बस अभी आपको इनकी मम्मी से ही मिलवाते हैं। नाच गाना सब हो चुका, अभी होगा, अभी बाकी। The next day. हंसिए जरा, हंसिए। दूल्हे के मम्मी, दुल्हन के मम्मी पापा। पहलवा दो।